हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं हूँ अंजलि। आरएसटी किचन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक न्यू रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम न्यू रेसिपी बनाएंगे करेले की कलौंजी, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होगा फ्रेंड्स। और घर के ही इंग्रेडिएंट से आप ये करेले की कलौंजी बना सकते हो, जो कि बेहद ही आसान तरीके से बनता है फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी रहता है, और तो और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप इस रेसिपी को मिस ना करें फ्रेंड्स, और फटाफट से आप इसे घर पे ट्राई करें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम करेले की कलौंजी में के जो मसाले रहते हैं वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने अक्खा धनिया लिया है और इसी में काली मिर्च भी ले लिए हैं, और दूसरी साइड यहाँ पर हमने पचफोरन लिया है और इसी में जीरा भी ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई रख देंगे। तो कढ़ाई में डालेंगे सारे मसाले जो हमने आपको पहले दिखाया, वही मसाले को यहाँ पे हल्का सा हमें भून लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मीडियम टू लो फ्लेम पे आप 1 से 2 मिनट तक ही भूने, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद ये जब हल्का हल्का गर्म होने लगेगा मसाले, तब इन्हें निकाल ले। तो हम इन्हें पहले अच्छे से भून लेते। तो लगभग 1 मिनट में मेरा मसाला जो है वो भून कर हो चुका। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्राइंडेड जार ले लिया है और इसी में हम डाल देते हैं मसाले को और फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ देखिए, अच्छे से हम इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लेते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने मसाले को अच्छे से पीस लिया है, मस्त बढ़िया सा फाइन पाउडर बना लिया है, देख सकते हो इस तरीके का फ्रेंड पाउडर बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसी में डालेंगे फ्रेंड्स लहसुन। लहसुन को भी हमने दरदरा मिक्सी जार में डालकर पीस लिया था, या फिर आप चाहे तो लहसुन के पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हो, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है, पेस्ट नहीं बनाया है। फिर उसके बाद इसी में देखिए हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। पहले हम लहसुन को डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे हल्दी पाउडर थोड़ा सा ही डालें, ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद यहाँ पे आमचूर पाउडर हमने 2 चम्मच ऐड किया है। यह आमचूर पाउडर डालना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है करेले के कलौंजी में। तो यहाँ पे हम आमचूर पाउडर डाल दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। फिर उसके बाद इसी में डालेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा हम तेल। तेल डालना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, वो भी सरसों का तेल ही यूज़ करें। तो यहाँ पे देखिए, कम से कम यहाँ पे हम 1 बड़ी चम्मच तेल डाल देते हैं सरसों का। फिर उसके बाद अच्छे से हम मिक्स करेंगे, या चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हाथों से अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कम तेल लग रहा था मुझे, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था तेल, और इन्हें हाथों से अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, जैसे कि जो सारे मसाले हैं ना वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मसाले बढ़िया से बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, करेले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, करेले को हमें क्या करना है, हल्का हल्का छील लेना है, इस तरीके से हल्का हल्का ही छीलना है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का, इससे भी कड़वापन कम होता है। फिर उसके बाद साइड के इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए, सारे करेले को हम इस तरीके से छील लेते हैं। ये देखिए, ज़्यादा मत करिए, छीलिएगा, बस हल्का हल्का ही हमें यहाँ पे छील लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम करेले को छील लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं सारे करेले को अच्छे से छील ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, करेलों में इस तरीके से मार्किंग लगाएंगे चाकू से। ये देखिए, पूरा कट मत कर दीजिएगा, बस ऊपर का जो भाग रहता है ना वो हल्का सा इस तरीके से काट ले, जैसे कि जो अंदर के बीए रहते हैं ना वो हम निकाल सके करेले में का। तो ये देखिए, हाँ, एक और बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स, आप कलौंजी बना रहे हो ना, तो कलौंजी बनाते समय छोटे साइज़ के करेले का ही यूज़ करें। यहाँ पे मैं 2 बड़े साइज़ के भी करेले ली हूँ, क्योंकि आप लोगों को एग्जांपल दिखाना था इसलिए। बट यहाँ पे जो मैं छोटे छोटे साइज़ के 3-4 करेले ली हूँ ना, उसी तरीके का आपका करेला रहना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया से जो बीए रहते वो निकल भी जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके का रहना चाहिए, इतने ही बड़े के करेले का ही यूज़ करें कलौंजी बनाते समय, फटाक से पक भी जाता है कलौंजी, और तो और जो हम मसाले भरेंगे ना वो अच्छे से भर भी जाता है अंदर और बाहर नहीं निकलते हैं। तो यहाँ देखिए, सारे करेले में के मैं बी निकाल ली हूँ। फिर उसके बाद इस तरीके से देखिए, हम मसाले को भर देंगे, जो हमने मसाले बनाए थे कलौंजी के लिए वो हम मसाले यहाँ पर भर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, हम सारे करेले में, ये देखिए इस तरीके से मसाले को भर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया से अच्छे से हमें मसाले को भर देना है। ये देखिए, तो ऐसे ही मैं सारे करेले में मसाले को भर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स,
इस तरीके से हमें भर लेना है। तो फटाफट से हम करेले में भर लेते हैं मसाले, ये देखिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सारे करेले में अच्छे से मसाले को भर ली हूँ, देख सकते हो, देखने में काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पे डालना है, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद तेल को अच्छे से इस तरीके से सारी जगहों पर फैला देंगे, ये देखिए, इस तरीके से हमें कर लेना है। तो यहाँ पे जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब यहाँ पे हम करेले को फ्राई करेंगे। तो पहले तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, करेले अच्छे, जो कढ़ाई में तेल था वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तब अब हम क्या करेंगे, करेले को डाल देते हैं, ये देखिए। इस तरीके से सारे करेले को हम इस तरीके से लाइन में लगा कर डाल देते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने करेले को अच्छे से डाल दिया है, ये देखे कढ़ाई में। अब हम क्या करेंगे, इन्हें ढकेंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से डाल दी हूँ करेला, और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं फ्रेंड्स, मीडियम टू लो फ्लेम पे भी कर सकते हो या फिर मीडियम फ्लेम पे। फिर उसके बाद यहाँ पे ढक दे, ढक कर लगभग 5 मिनट तक अच्छे से इसे पकने देते हैं। जब 5 मिनट हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर उसके बाद ढक्कन को हटाएं और जो करेले का कलर जो होगा ना वो नीचे से एक्सचेंज हो गया होगा, तब इसे इस तरीके से पलट दें, ये देखिए फ्रेंड्स। इसी तरीके से आपको लगभग 10 से 15 मिनट तक ढककर पकाना है, और बीच बीच में करेले को इस तरीके से पलट कर हुआ लेना है, यानी कि पका लेना है। तो इसे हम इसी तरीके से पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स 15 मिनट के बाद देख सकते हो लगभग मेरा करेला बहुत ही बढ़िया से पक चुका है, और देखने में काफ़ी बढ़िया भी दिख रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैं सारे करेले को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सा तरीका है फ्रेंड्स। आप लोग इस तरीके से करेले का कलौजी बनाकर देखिए एक बार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, देख सकते हो मसाले जो अंदर के वो भी अच्छे से पक चुके हैं, ये देखिए। मैं आप लोगों को एक तोड़ कर दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो देख सकते हो फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, और तो और खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स, ये देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स रहता है उसमें प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो अब हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।